नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं पहले वनडे मुकाबले में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को जगह न देने पर बुरी तरह से भड़क गए भारतीय दिग्गज और कहा कुछ ऐसा जिसे सुनने के बाद आप भी हो जाओगे हैरान। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी और क्या कहा दिग्गजों ने बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिलहाल दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। 2023 में खेली जाने वाली भारत की ये पहली वनडे सीरीज है। इस सीरीज का पहला मुकाबला गुवाहाटी में खेला जा रहा है। मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतने के बाद टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। हालांकि जब भारत की प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ तो सब हैरान रह गए। दरअसल भारत की प्लेइंग 11 में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को जगह नहीं दी गई। आपको बता दें दोस्तों, ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबले में 2 शतक लगाया था, तो वही सूर्य कुमार यादव ने श्रीलंका के खिलाफ आखिरी T20 मुकाबले में शतक जड़ा था। लेकिन इसके बाद भी इन दोनों की वनडे की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनी, जिसके कारण फैंस के साथ साथ क्रिकेट के दिग्गज रोहित शर्मा पर भड़क उठे हैं। ईशान किशन की जगह शुभमन गिल को मौका दिया गया, वही सूर्य कुमार यादव की जगह KL राहुल को मौका दिया गया। फैंस ने सोशल मीडिया पर इसकी दमकर आलोचना की है। वहीं दिग्गजों ने भी इस फैसले पर अपनी राय रखी है। सबसे पहले सुनील गावस्कर ने कहा कि ये मेरे समझ के परे है, ये किस तरीके का सिलेक्शन है। जिस खिलाड़ी ने पिछले मुकाबले में 2 शतक लगाया है उस खिलाड़ी को तुम बाहर बैठा कर रखे हो। गावस्कर ने आगे कहा कि हाँ मैं मानता हूँ शुभमन गिल ने भी अच्छा खेल दिखाया है, लेकिन ईशान किशन ने 2 शतक जड़ा है वो भी शानदार तरीके से। ईशान को बाहर बैठा कर आप उनका कॉन्फिडेंस कम कर रहे हो। वही सूर्या भी इन दिनों काफी अच्छा खेल दिखा रहे हैं और पिछले मैच में भी सूर्या ने शानदार शतक लगाया है। ऐसे में उन्हें बाहर बैठाना कहाँ की समझदारी है। दोस्तों गावस्कर के अलावा गंभीर ने भी सवाल उठाया है। गंभीर ने कहा कि अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आप ऐसी गलती नहीं कर सकते। जो खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं आपने उनको बाहर बैठा के रखा है, और जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी दिनों से खराब चल रहा है उन्हें आप टीम में जगह दे रहे हो। ईशान अच्छी ओपनिंग कर सकते हैं और वही सूर्य कुमार यादव बेहतरीन फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। ये सिलेक्शन मेरी समझ के बाहर है, कप्तान रोहित शर्मा को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।